नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। उत्तराखंड में टिहरी के नरेंद्र नगर में G20 सम्मेलन होने जा रहा है, साथ ही साथ ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में भी G20 के जो सदस्य यानी कि जो विदेश मेहमान हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। 3 दिनों का ये पूरा सम्मेलन होगा तो इसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल हमने देखा कि जो जानकी पुल है वहां पर काफी ज्यादा तैयारियां देखने को मिल रही थी। जानकी ये जो पुल है आप यहां पर देख सकते हैं कि पहले यहां पे जो ग्रिल लगी होती थी अब इन ग्रिल्स को हटा दिया गया है, क्योंकि यहां से इस पुल से गाड़ियां गुजरेंगी और उसके बाद यहां पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग भी आ जा रहे हैं तो यहां पर उस दिन यानी कि 3 दिन तक कोई लोग यहां पर नहीं देखने वाले हैं। तो ये चीज है कि यहां पर ये ग्रिल्स हटा दिए गए हैं, साथ ही यहां पर सफाई भी काफी यहां पर हमने देखा कि हो रही थी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि तमाम सारी जो लाइट्स हैं वो लगी हुई हैं और ये काफी कलरफुल लाइट्स हैं। और जैसे ये हमने देखा कि दिन में तो ये लाइट्स लग रही थी और शाम होने तक ये लाइट्स पूरी तरह से यहां पर लग चुकी थी और जैसे ही लाइटें खुली तो ये नज़ारा देखते ही बन रहा था और जो वहाँ के आसपास के लोग थे वो भी ये देखकर काफ़ी चौंक गए कि कितना जो प्यारा है ये सुंदर जानकी पुल यहाँ पर लग रहा था, गंगा नदी के ऊपर जो बना हुआ है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो डेलीगेशन है, जो डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं, आज पहुँच चुके हैं, जो अलीग्रांट आए हैं वहाँ पर काफ़ी उनका स्वागत हुआ है, नाच गाने के साथ पूरा स्वागत हुआ। खुद जो विदेशी मेहमान थे वो भी इन गीतों पर जो है नाच गा रहे थे, जैसा कि आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो परमार्थ निकेतन है ऋषिकेश में, वहाँ पर गंगा आरती में ये जो डेलीगेट्स हैं वो शामिल होंगे और साथ ही जो खबरें मिल रही हैं बताया जा रहा है कि यहीं पर ही रात्रि का भोजन भी ये लोग करने वाले हैं। तो परमार्थ निकेतन में भी हम ने ये देखा कि वहाँ पर भी जो है काफ़ी पेंट हो रहा था, तैयारियाँ हो रही थी, जो घाट है परमार्थ निकेतन का उसको काफ़ी क्लीन किया जा रहा था और पूरी तैयारियाँ वहाँ पर देखने को मिली। वहीं परमार्थ निकेतन के जो अध्यक्ष हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, उनसे भी हमने इस चीज़ को लेकर बातचीत की क्योंकि पहली बार उत्तराखंड के ऋषिकेश में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परमार्थ निकेतन में डेलीगेशन आने वाला है, तो इससे लेकर वो क्या सोचते हैं, उनका क्या कुछ कहना है और परमार्थ निकेतन कितना तैयार है इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनिए। G20 का ऋषिकेश की उत्तराखंड की धरती पर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में लगभग 100 इवेंट्स हो रहे हैं, जगह जगह जाएंगे, सेल्फी पॉइंट होंगे, पिक्चर खींचेंगी, देश को जानेंगे, देश की संस्कृति को जानेंगे, देश की साइंस को जानेंगे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को जानेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो होगा कुछ अलग होगा। यहाँ बाकी जगह सेल्फी पॉइंट बनेंगे, यहाँ पर सेल्फ को पॉइंट बनाएंगे वो। बाकी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी। बाकी जगह समाज के फाइनेंशियल मैटर्स क्या हैं, लेकिन यहाँ कि अपने को कैसे इन्वेस्ट करना है, खुद को कैसे फाइनेंस करना है, ये जो यात्रा है ना, और उसको भी गंगा जी की आरती में जहाँ पूरे विश्व के लोग खिंचकर आते हैं, और वहाँ पर G20 में आने वाले ये लोग जब आएंगे, मुझे पूरा भरोसा है गंगा का पावन तट और उत्तराखंड तो फिर स्विट्जरलैंड भी है और स्पिरिचुअल लैंड भी है, दिव्यता और भव्यता का संगम है हमारा उत्तराखंड। इसलिए इस धरती पर मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन आके वो गंगा जी की आरती को देखेंगे, करेंगे, बैठेंगे और वहाँ होना ही अपने आप में उनका एक एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, और उस अनुभव को जब वो लेकर जाएंगे उनकी लाइफ में निश्चित रूपेण एक परिवर्तन होगा। दो बातें होंगी यहाँ आने से, एक तो संस्कार बढ़ेगा और हमारी संस्कृति के जान उनको पहचान होगी, रुझान बढ़ेगा और लोगों के लिए व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा एक दूसरे के बीच में और संस्कार बढ़ेगा। अंतिम बात मुझे लगता है कि भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी बड़े प्यारे हैं, बड़े अलग हैं, कुछ अलग ही सोचते हैं जो दूसरे नहीं सोच पाते, सुन पाते, देख पाते, वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं और सोच लेते हैं, और ये उन्हीं की ये सोच है कि G20 ऐसी जगह पर होना का अर्थ है कि जब लोग यहाँ पर आएंगे, ये वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इस मंत्र के माध्यम से मुझे तो लगता है G20 तो एक शुरुआत है, ये G20 नहीं जी ऑल होने की बात चलने जा रही है, उसी की यात्रा है, उसकी शुरुआत है ये। देखिए परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा के पावन तट पर, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार दोनों चाहते हैं कि ये यात्रा उनके लिए एक अलौकिक यात्रा बने, अद्भुत यात्रा बने, अविस्मरणीय यात्रा हो। उसके लिए हम भी यही चाहते हैं कि सरकार
की तरफ से व्यवस्था और हमारी तरफ से आस्था, और व्यवस्था और आस्था दोनों का संगम का दर्शन इस तट से उनको हो सके, उसके लिए हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और कोशिश पूरी है कि मिलकर, क्योंकि ये सबके लिए है। और अच्छी बात यह है कि संस्कारी सरकार है यहाँ पर उत्तराखंड के। हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े प्यारे हैं, बड़े युवा भी हैं और धाकड़ भी हैं, और सच मानो तो लगे रहते हैं और सबको जोड़ के चलते हैं, सबके साथ लेकर चलते हैं। इसलिए ये युवाओं के लिए भी, सबके लिए और उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर आया है, जिसमें रोजगार के भी, संस्कार के भी सारे अवसर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने स्वामी जी को सुना, उन्होंने बताया कि इस तरह से वो यहाँ पर तैयार हैं इस पूरे सम्मेलन को लेकर। और भी यहाँ पर आपको बता दें कि जो प्रशासन है, जो पुलिस है वहाँ की, वो भी काफ़ी मुस्तैद वहाँ पर है। SDM हो या SEO हो, और तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है। साथ ही साथ आयोजन से पहले यहाँ पर जो ट्रायल होता है वो भी किया गया। इसके अलावा कल ये शुरू होना है, तो पूरी तैयारियाँ, मतलब कह सकते हैं कि आज पूरी तैयारियाँ एक बार फाइनलाइज यहाँ पर हो जाएंगी और कल सबकी ड्यूटी वहाँ पर लगेगी पुलिस फोर्स की खासकर, और उन सबको पूरी निगरानी रखनी होगी इस पूरे कार्यक्रम की। अब देखना ये होगा कि कल की शाम किस तरह से होती है, और जब गंगा आरती होती है, पूरे जो विदेशी मेहमान हैं गंगा आरती में हिस्सा लेंगे, तो वो संध्या कैसी होगी वो हम आपको कल ज़रूर दिखाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।